हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रिलाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक रिपोर्ट को कैसे जनरेट कर सकते हैं। आइटम के स्टॉक का वैल्यूएशन निकालने के लिए हमें पहले उस आइटम का एवरेज रेट निकालना होगा। उसके लिए हम यहाँ पे रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री, एवरेज रेट पे एंटर करेंगे। गिव बुक कोड, यहाँ डेबुक को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ बाय डिफॉल्ट परचेजेस की डेबुक ही आएगी, आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज एंटर करें। पीरियड, यहाँ पे डेट सिलेक्ट करनी है, एंटर कर देंगे। आइटम कोड, यहाँ अगर कोई पर्टिकुलर एक ही आइटम का एवरेज रेट निकालना हो तो उसका नाम टाइप कर देना है, लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। और अगर सभी आइटम्स का एवरेज रेट निकालना हो तो ब्लैंक रख के एंटर कर देना है। आइटम ग्रुप, अगर कोई पर्टिकुलर आइटम ग्रुप का एवरेज रेट निकालना हो तो उसका नाम टाइप कर देना है। अगर सभी आइटम्स का एवरेज रेट निकालना है तो यहाँ पे ब्लैंक रख के एंटर करना है। हम यहाँ पे ग्रे आइटम ग्रुप का एवरेज रेट निकालना चाहते हैं तो ग्रे टाइप कर देंगे, एंटर कर देंगे। रिपोर्ट आ गई है, यहाँ पे आप एवरेज रेट में वैल्यू देख सकते हैं 22.02, 15.64, ये सब आइटम्स के एवरेज रेट्स हैं। यहाँ पे एस्केप करेंगे। वॉन्ट टू रिप्लेस एवरेज रेट विथ क्लोजिंग रेट, यहाँ पर आपको येस कर देना है। इससे एवरेज रेट की वैल्यू आइटम की क्लोजिंग रेट में अपडेट हो जाएगी, एंटर कर देंगे। रिप्लेस क्लोजिंग रेट, सभी आइटम जिसमें क्लोजिंग रेट जीरो हो या ना हो, उन सभी में अगर अपडेट करना हो तो ऑल रेट्स ऑप्शन पे एंटर करना है, और अगर जिसका क्लोजिंग रेट जीरो हो सिर्फ उसी को अपडेट करना हो तो इफ रेट इक्वल टू जीरो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे इफ रेट इक्वल टू जीरो ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं, एंटर कर देंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे मास्टर आइटम एड एडिट पे एंटर करके मैन्युअली भी आइटम को एडिट करके उसमें क्लोजिंग रेट डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे फिनिश क्लॉथ आइटम को एडिट करके उसमें क्लोजिंग रेट में 220 रुपीज डाल रहे हैं, सेव कर देंगे। जिस आइटम का क्लोजिंग रेट नहीं होगा उस आइटम के स्टॉक की वैल्यूएशन आप नहीं निकाल सकते, इसलिए वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक रिपोर्ट को देखने के लिए पहले आपको आइटम का क्लोजिंग रेट डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक फ्रॉम आइटम रेट पे एंटर करना है। ग्रुप, अगर कोई पर्टिकुलर आइटम ग्रुप का ही वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक रिपोर्ट व्यू करना हो तो वो आइटम ग्रुप नेम यहाँ डाल सकते हैं, अदरवाइज सभी आइटम ग्रुप्स के लिए ब्लैंक रखना है। सब ग्रुप, इस तरह से सब ग्रुप में भी अगर कोई पर्टिकुलर आइटम सब ग्रुप का ही वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक रिपोर्ट निकालना हो तो वो आइटम सब ग्रुप नेम यहाँ डाल सकते हैं, अदरवाइज सभी आइटम सब ग्रुप्स के लिए ब्लैंक रखना है। एज ऑन डेट, यहाँ पे जिस डेट तक की रिपोर्ट देखनी हो वो डेट डाल देनी है। नेक्स्ट वैल्यूएशन, यहाँ वैल्यूएशन अगर सेल्स रेट पे निकालना हो तो सेल्स रेट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगर परचेज रेट पे निकालना हो तो परचेज रेट ऑप्शन को सिलेक्ट करें, और अगर क्लोजिंग रेट पे निकालना हो तो क्लोजिंग रेट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे क्लोजिंग रेट ऑप्शन पे एंटर कर रहे हैं, एंटर कर देंगे। यहाँ पे अगर रिपोर्ट को सिर्फ व्यू करना हो तो स्क्रीन ऑप्शन पे एंटर करना है, व्यू करके प्रिंट करना हो तो फाइल ऑप्शन पे एंटर करना है, व्यू किए बिना प्रिंट करना हो तो प्रिंटर ऑप्शन पे एंटर करना है, और अगर रिपोर्ट से एग्जिट होना हो तो एग्जिट ऑप्शन पे एंटर करना है। हम यहाँ पे फाइल ऑप्शन पे एंटर कर रहे हैं। रिपोर्ट आ चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसका एवरेज रेट और क्लोजिंग रेट हमने निकाला था सिर्फ उसकी ही वैल्यूएशन आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15.64, 22.02 और 220, ये सब एवरेज रेट्स की वैल्यू हैं और उसी पे स्टॉक का वैल्यूएशन कैलकुलेट हुआ है।
नेक्स्ट अगर आपको रिपोर्ट को प्रिंट करना हो तो यहाँ एस्केप की प्रेस करके प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर कर देना है, आपकी रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी। और अगर इस रिपोर्ट को किसी और फॉर्मेट में व्यू करना हो तो यहाँ पे सेंड टू ऑप्शन पे एंटर करके लिस्ट में से फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से हम रिलाय में वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।